हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आप देख सकेंगे जन्नत मिर्ज़ा और उसकी सारी बहनें जो कि ये सोलो ट्रिप पर दुबई गई हैं। इन लोगों ने कहा था कि हम लोग का ये गर्ल्स पहली बार है कि हम तीनों बहनें अकेली किधर गई हैं, क्योंकि इसने कहा था कि हम जब भी जापान जाते हैं तो या तो अपने मामू के साथ जाते हैं या अपनी अम्मी अब्बू के साथ जाते हैं। तो ये तो हमारा पहला सोलो ट्रिप है और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आप इस वीडियो में देखिए। यार ये कितना बड़ा आ रहा है पौधा। मिर्ज़ा लोग विंटरलैंड पर भी गए थे और इन लोगों ने कहा था कि हम लोग स्काई डाइविंग भी करी गई, क्योंकि हाल ही में सिस्ट्रोलॉजी और इसके साथ साथ डकी बाई इन लोगों ने स्काई डाइविंग की थी। तो इन लोगों ने कहा था कि हम लोग जिस दिन स्काई डाइविंग कर रहे थे लेकिन उस दिन मौसम थोड़ा ख़राब हो गया, तो उन लोगों ने कहा था कि स्काई डाइविंग की टिकट आप ज़रा फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कर दें। तो इन लोगों ने कहा था कि कमिंग वीक में हम लोग स्काई डाइविंग भी करेंगे। और इसके साथ साथ ये लोग डिज़र्ट पर ये गाड़ियाँ भी चला रहे थे। मैं जन्नत मिर्ज़ा की बहन अलिजमा अंजुम की गाड़ी डिज़र्ट में फंस गई, तो फिर जन्नत मिर्ज़ा ने उसे धिक्के वगैरह देकर इस डिज़र्ट से निकाला, क्योंकि यहाँ डिज़र्ट पर गाड़ियाँ फंस जाती है और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से निकलती है। तो जन्नत मिर्ज़ा ने कहा था कि मैं तो एक बार पहले भी दुबई आई हूँ तो मुझे यहाँ की गाड़ियों चलाने का एक्सपीरियंस है। अलिजमा ने पहली दफ़ा ये गाड़ी चलाई तो उसे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जिस तरह रोड में गाड़ी चलती है और यहाँ गाड़ी चलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और इसके साथ साथ ये लोग वहाँ के किंडोल से भी मिले थे, क्योंकि किंडोल वो तो दुबई में ही रहता है और वहाँ पर ही टिकटॉक लाइव वगैरह करता है। तो तब के लिए इतना ही, होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अब तक के लिए इतना ही, ओके बाय।